नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना में कथित ऑपरेशन लोटस में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को पलट दिया है, जिसमें लोअर कोर्ट ने कथित ऑपरेशन लोटस में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया था और फिर उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 युवकों को गिरफ्तार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इन तीनों को 24 घंटे के भीतर साइबराबाद पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही अदालत ने पुलिस को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ACB की विशेष अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इससे पहले ACB स्पेशल कोर्ट जज ने कहा था कि मामले में रिश्वत के पैसे शामिल होने का कोई सबूत नहीं था और पुलिस CRPC की धारा 41A के अनुसार नोटिस जारी कर सकती है और मामले में जांच के लिए आरोपी को तलब कर सकती है, जिसके बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। बता दें ये तीनों लोग BJP से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया था कि उन्हें BRS के 4 विधायकों को BJP में शामिल होने के लिए घूस देते हुए पकड़ा गया था। ऐसा आरोप है कि BJP कई राज्य जहां उसकी सरकार नहीं है वहां विपक्ष के विधायकों को पार्टी में शामिल कराने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है और इसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि BJP देश भर में ऑपरेशन लोटस का जो गंदा खेल खेल रही है उसका एक नया मामला सामने आया है। सिसोदिया ने BJP नेतृत्व पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को कथित रूप से अपने पाले में लाने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार किया जाए। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 43 MLAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में MLA खरीदने की कोशिश में 100 करोड़ के साथ पकड़े गए इनके दलाल ने खुद कबूला है कि इसी तरह 25-25 करोड़ में दिल्ली के विधायक खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है। कहां से आ रहा है 43 विधायक खरीदने के लिए 1,075 करोड़ रुपए। गुजरात सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी बनाई है। इसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि कैबिनेट की एक बैठक में फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी इस बात की पड़ताल करेगी कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं। कमेटी इस कोड का ड्राफ्ट भी तैयार करेगी। बता दें गुजरात में चुनाव सिर पर हैं और उससे इस ऐलान के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। मालूम हो कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम होंगे, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो। इसके लागू होने पर शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे सभी में एक समान ही कानून लागू होगा, जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को करना जरूरी होगा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान का शनिवार को गुजरात में काले झंडे और मोदी मोदी के नारों से स्वागत किया गया। आपके नेता चिखली गांव में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। केजरीवाल ने काले झंडे दिखाने पर कहा कि काले झंडे दिखाने वाले मेरे भाई हैं, थोड़ा गुमराही के शिकार हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उनका दिल जीतने और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब रहूंगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तिखली तालुका में खुदबेल और गोलवट गांव के बीच सड़क के किनारे खड़े BJP के कई समर्थकों ने जब आम आदमी पार्टी नेताओं का काफिला वहां से गुजरा तो उन्हें काले झंडे दिखाए। चिखली कस्बे के राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की ओर जाते समय उन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। केजरीवाल ने बाद में रैली को संबोधित करते हुए घटना का जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि मतदाता अपनी पसंद की कोई भी पार्टी चुन सकते हैं, लेकिन आप ये तय करें कि उनके बच्चों को मुफ्त हाई क्वालिटी वाली शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि गुजरात में BJP के कई सदस्य मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हैं और पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की इच्छा व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस, अग्निशमन, महिला सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य पुलिस और SSB की टीमों के साथ सीमावर्ती जिलों में संयुक्त गश्त की जाए, SSB के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें। साइबर सुरक्षा आज के दौर में बहुत जरूरी है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक साइबर पुलिस थाना स्थापित करने की जरूरत है। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाकर जल्द ही देने को कहा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पुलिस को और आधुनिक बनाने के लिए जरूरी प्रयास करने को कहा।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में जबरन ईसाई धर्म अपनाने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इस मामले में शिकायत UP प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने जिनका धर्म परिवर्तन करवाया उनको धमकी दी और पुलिस के झांसे में न आने की हिदायत दी। FIR में कहा गया है कि आरोपियों ने COVID-19 महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान इन लोगों की मदद की और उन्हें चर्च आने के लिए प्रोत्साहित किया था। मामले में आगे की जांच चल रही है। बता दें, मेरठ में कथित तौर पर 400 लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का मामला सामने आया। ये घटना मंगतपुरम इलाके की है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब शुक्रवार को BJP के जिला मंत्री दीपक शर्मा के नेतृत्व में करीब 200 लोग SSP रोहित सिंह सजवाण से मिले और आरोप लगाया कि मंगतपुरम में करीब 400 लोगों को ईसाई बना दिया गया है। इन लोगों को दिवाली पर पूजा भी नहीं करने दी गई। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने संगरूर में धरने पर बैठे किसानों की मांगों को मान लिया। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन उग्रां ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भारतीय किसान यूनियन उग्रां के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्रां समेत 5 नेताओं के साथ शुक्रवार को पटियाला के सर्किट हाउस में बैठक की थी। इस बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन उग्रां के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्रां ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों की मांगों को लिखित रूप से माना है। इसके बाद उन्होंने करीब 20 दिन से जारी अनिश्चितकाल धरना 29 अक्टूबर को खत्म करने की घोषणा की। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की तरह ही दांव खेला है। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का अपना मुख्यमंत्री चुने अभियान शुरू किया है। इस दौरान CM केजरीवाल ने लोगों से कहा कि गुजरात का अगला CM कौन होना चाहिए, इस पर अपनी राय दीजिए। इससे साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी स्थानीय चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे ही पंजाब में किया था। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का CM फेस कौन होगा। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि इसके लिए आम आदमी पार्टी कैंपेन चलाएगी और लोगों से सुझाव मांगेगी। केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात के लोग हमें बताएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। हम एक नंबर और एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आप 3 नवम्बर को शाम 5 बजे तक इस पर अपनी राय भेज सकते हैं। हम 4 नवम्बर को परिणाम घोषित कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन आज सुबह फिर हादसे का शिकार हो गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई गांधीनगर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस शनिवार सुबह गुजरात में अतुल स्टेशन के पास मवेशियों से टकरा गई। इसके बाद ट्रेन को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। टकराने के बाद आए फोटो में देखा जा सकता है कि ट्रेन का अगला भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें, इससे पहले भी जानवरों से टकराने के कारण कई बार वंदे भारत एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसको लेकर तंज भी कसे जाते रहे हैं। महाराष्ट्र की BJP एकनाथ शिंदे सरकार ने विपक्षी दलों के 25 नेताओं की सुरक्षा हटा दी है। इन नेताओं में कांग्रेस, NCP और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता शामिल हैं। जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है उनमें अनिल देशमुख, छगन भुजबल, बालासाहेब थोराट, नितिन राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल, संजय राउत, विजय वडेट्टीवार, संजय मुंडे, नवाब मलिक, नरहरी झिरवल, सुनील केदार, असलम शेख, अनिल परब और अन्य के नाम शामिल हैं। NCP के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार और पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सुरक्षा को Z कैटेगरी से घटाकर Y+ कर दिया गया है। हालांकि NCP के मुखिया शरद पवार, उनकी बेटी और बारामती लोकसभा सीट से सांसद सुप्रिया सुले सहित उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में ही लगाए जाने को लेकर 3 हफ्ते पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन को पत्र लिखा था। बता दें, अब ये प्रोजेक्ट गुजरात के वडोदरा में लगेगा, जबकि BJP एकनाथ शिंदे सरकार ने कहा था ये प्रोजेक्ट नागपुर में आएगा। इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र निकलकर गुजरात जाने पर NCP और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट BJP एकनाथ शिंदे सरकार पर जमकर हमलावर है, क्योंकि बीते कुछ ही महीनों में ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से गुजरात चला गया है। बहरहाल, नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर को टाटा ग्रुप के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट यानी मेहान में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेहान के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अच्छी खासी जमीन है और मेहान और नागपुर में टाटा ग्रुप को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वहीं पिछले महीने ही एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा था कि टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट नागपुर के नज़दीक विदर्भ में लगेगा। लेकिन गडकरी के पत्र लिखे जाने के बाद भी बीते गुरुवार को रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया था कि टाटा एयरबस का ये प्रोजेक्ट अब गुजरात के वडोदरा में लगेगा। मालूम हो कि ये प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का है और इसके तहत C-295 विमान बनाए जाने हैं। ऐसा पहली बार होगा जब निजी कंपनियां भारत में सैन्य विमान बनाएंगी। C-295 को नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो जुलाई से ही इस बारे में आवाज उठा रहे थे। आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है, क्या महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री चार प्रोजेक्ट के राज्य से बाहर जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क को बधाई दी है। राहुल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब ट्विटर हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बताना होगा कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है और खरीदने के तुरंत बाद इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बड़े अफसरों को उनके पदों से हटा दिया है। इनमें सीईओ के पद पर रहे पराग अग्रवाल, कानूनी और नीतिगत मामलों की प्रमुख विजया गड्डे, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सेगल का नाम भी शामिल है। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें ये भी उम्मीद है कि अब ट्विटर और अधिक मजबूती के साथ तथ्यों की जांच करेगा और सरकार के दबाव की वजह से भारत में विपक्षी आवाज को नहीं दबाएगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ग्राफ को भी शेयर किया है। इस ग्राफ में राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट में की गई गड़बड़ी को बताया गया है। राहुल गांधी ने इस ग्राफ के जरिए बताया है कि अगस्त 2021 से फरवरी 2022 के बीच ट्विटर पर उनके नए फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ने से रोक दिया गया था और उस दौरान ट्विटर को इस बारे में 20 बार शिकायत की गई, लेकिन ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। ट्विटर पर एलोन मस्क का कब्जा होने के कई साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। जनरल मोटर्स ने कहा कि वो ट्विटर पर अपने विज्ञापनों को रोकने जा रहा है। मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और जनरल मोटर्स उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी है। सीएनबीसी के अलावा तमाम अमेरिकी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की। सीएनबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेट्रॉइट स्थित ऑटोमेकर जनरल मोटर्स ने कहा कि वो ट्विटर पर अपने विज्ञापन को रोक रहा है क्योंकि ट्विटर अब नए दिशा निर्देशों के तहत काम करेगा तो हमें भी उसके मूल्यांकन की जरूरत है। वो अपने ग्राहकों से बातचीत के लिए ट्विटर के मंच का इस्तेमाल करना जारी रखेगा लेकिन विज्ञापन के लिए भुगतान नहीं करेगा। जनरल मोटर्स ने संबंध में सीएनबीसी को एक ईमेल भेजकर यह जानकारी दी। जनरल मोटर्स ने कहा कि ट्विटर मीडिया प्लेटफॉर्म में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। हमने अपने विज्ञापनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह व्यापार की एक सामान्य प्रक्रिया है। आतंकवादी समूह द्वारा टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट का उपयोग अब अक्सर कट्टरता और समाज को अस्थिर करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। नई दिल्ली में यूएनएससी की आतंकवादी रोधी समिति की विशेष बैठक में जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी अक्सर स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति को निशाना बनाने के लिए तकनीक, धन और खुले समाज के लोकाचार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादी समूहों के टूलकिट में शक्तिशाली औजार बन गए हैं। पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने और शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लंबा मार्च निकाल रहे पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई के लंबे मार्च को कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों को उनके इस्लामाबाद पहुंचने पर उनके अगले फैसले का इंतजार करना चाहिए। एक टीवी चैनल द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में उन्होंने एक पत्रकार से कहा कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपको इंतजार करना होगा कि मैं इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या फैसला करता हूं। बता दें, इमरान खान आर्मी से लेकर आईएसआई और सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और इसी क्रम में वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं जिसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। वहीं सत्तारूढ़ दलों का कहना है कि इमरान खान हकीकी मार्च की आड़ में निजी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।